हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। दिस इज दीप एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दीप सुमी ब्लॉग्स। तो गाइस, फाइनली आज वो दिन आ चुका है। आज हम लोग अपने मेगा राइड पे निकलने वाले हैं और ये राइड 500 नहीं, 1000 नहीं, टोटल 2000 प्लस किलोमीटर्स की राइड होने वाली है, जो कि हम लोग डायरेक्ट बेंगलोर से अपने होम टाउन के लिए लगाने वाले हैं। तो बेंगलोर टू रांची अभी हम लोग कवर करने वाले हैं और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी वाइफ भी साथ में है। और उसके लिए हो सकता है कि ये बेंगलोर के कुछ लास्ट मोमेंट्स रहे, क्योंकि वो शायद वापस नहीं आने वाली है। तो बेंगलोर को मिस करोगे ना? बहुत ज़्यादा। हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेंगलोर के आसपास घूमे, तो बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को। और अब जाना है हम लोग को यहाँ से, इसके बारे में आगे और बात करेंगे। और अभी तो टाइम आप देख सकते हो, पीछे पूरा अंधेरा हो रखा है, तो अभी 3 AM हो रहा है एक्चुअली। और हम लोग बस अब निकलने वाले हैं, टोटल सामान वगैरह सब पैक हो चुका है, इसका भी मेकअप हो ही गया है अब तो लग रहा है। तो बस अब रेनकोट पहन के निकलने वाले हैं, क्योंकि बारिश यहाँ पे अभी भी हो रही है। तो आज फर्स्ट डे है, तो हम लोग ट्राई करेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने का, ठीक है। तो अब सामान वगैरह लोड करते हैं और ढेर सारी आपसे बातें होंगी और ढेर सारी चीज़ आपको दिखाएंगे भी। तो बहुत कुछ है दिखाने को और बहुत कुछ है बताने को, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपसे बाइक पे और डायरेक्ट राइड पे मिलते हैं। तो भाई लोग, नज़ारा देख लो, मतलब नज़ारा देखने के लिए कुछ नहीं है, बस आपको फॉग ही फॉग मिलेगा और ऊपर से अंधेरा है। 5:30 बज चुके हैं सुबह के, बट अभी भी यार रोशनी नहीं आई है और फॉग है। पूरा हेलमेट का जो वाइज़र है पूरा फॉग के पानी से भर गया है। हालांकि मैंने लगाया हुआ था जो वाटर रेजिस्टेंट, वो जो एक फिल्म आती है, वो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको इसके पहले वाले प्रिपरेशन वीडियो में भी दिखाया था, तो वो लगा के रखा था। और भाई साहब, ठंड लग रही है, क्योंकि पूरा जो हम लोग का रेनकोट है उसके ऊपर बारिश की बूंदें जम गई हैं। सो इट्स क्वाइट कोल्ड। और लगभग 2 घंटा 2.5 घंटा से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, 100 किलोमीटर से ऊपर कवर कर चुके हैं हम लोग। बट भाई, अब तो यही है कि कब सुबह होगी, कब धूप निकलेगी, इसी की दुआ कर रहे हैं, क्योंकि यार ठंड लग रही है अच्छी खासी। और टू बी ऑनेस्ट, इससे पहले मैंने नाइट में ज़्यादा ड्राइव भी नहीं किया है, तो इट इज़ न्यू फॉर मी। और थोड़ा मुझे ही परेशानी हो रही है, बट यार थैंक्स टू द ऑक्स लाइट्स, बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है, अदरवाइज़ तो भाई चलाना इम्पॉसिबल था। और यार देखो, बात ऐसी है कि हमें नाइट में निकलना इस बार ज़रूरी पड़ गया, अदरवाइज़ मैं हमेशा प्रिफ़र करता हूँ और लोगों को भी बोलता हूँ कि नाइट में ड्राइव मत किया करो। और ये तो स्टेट हाईवेज़ है, तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, अगर फॉग नहीं होता, इतना ज़्यादा फॉग नहीं होता, तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती हमें। गाइज, जस्ट लुक एट द व्यू गाइज, भाई मज़ा आ गया। सुबह सुबह देख रहे हो यार, गजब मज़ा आ रहा है, अभी मज़ा आ रहा है एक्चुअली में। तभी से तो हम लोग परेशानी से झेल रहे थे, एंड नाउ इट फील्स लाइक इट्स कम्प्लीटली वर्थ इट। भाई अब मज़ा आ रहा है, क्योंकि हमारी जो घर वापसी की राइड है उसकी शुरुआत बड़ी ज़बरदस्त हुई है। और यार ये बहुत ही लंबी राइड होने वाली है हम लोग की, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया 4 दिन की राइड है। सो आज हम लोग ट्राई करेंगे विजयवाड़ा तक पहुंचने का, जो कि बेंगलोर से 660 किलोमीटर्स है अराउंड। हमने होटल ऑलरेडी बुक करके रखा हुआ है विजयवाड़ा में। और जब से मैं आया हुआ था तब से मैं सोच रहा था कि, मतलब बेंगलोर जब से आया हुआ था तब से मैं सोच रहा था कि जब भी घर वापस जाऊँगा तो बाइक से ही जाऊँगा, राइड करते हुए जाऊँगा। और फाइनली आज वो ड्रीम पूरा हो रहा है, इसीलिए मैं इस राइड को, जो आज इस बार का हमारा सफ़र है, उसको मैं घर वापसी राइड बोलता हूँ, या बोल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। क्योंकि यार बेंगलोर में 3-3.5 साल रहने के बाद अब फाइनली हम लोग ऑलमोस्ट आप परमानेंटली बोल सकते हो बेंगलोर को अलविदा कह देंगे। बिकॉज़ यार मैं आपको बताता हूँ, पहले भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ आपको, मैंने CGL 19 का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो चुका था। मुझे कोलकाता में होम मिनिस्ट्री में पोस्टिंग मिली हुई है, तो अभी मैंने यहाँ उसको ज्वाइन नहीं किया है,
पहले यहाँ से रिलीव हो जाऊँगा, उसके बाद वहाँ पर ज्वाइन कर पाऊँगा। तो भाई हम लोग कोलकाता डायरेक्ट तो नहीं जा रहे हैं, बट कोलकाता से थोड़ी दूर अराउंड 6 आवर्स के डिस्टेंस पे मेरा घर है, रांची होम टाउन है। तो भाई वहाँ जा रहे हैं हम लोग, अपनी बाइक को भी वहीं छोड़ेंगे अभी, और सामान जो हम लोग का है वो ऑलरेडी हमने पहुँचा दिया है। तो भाई फुल इंजॉय करते हुए हम लोग जा सकते हैं अभी। और भाई आपको जल्दी से बता देते हैं कि हमारा जो टूर प्लान है वो कैसे हमने शेड्यूल किया है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हम लोग विजयवाड़ा के लिए निकल चुके हैं अभी। तो आफ्टर विजयवाड़ा ऑन द नेक्स्ट डे वी हैव प्लान टू रीच विशाखापट्टनम, विच इज़ अराउंड 6 to 7 hours फ्रॉम विजयवाड़ा। एंड आफ्टर दैट वी विल गो टू भुवनेश्वर ऑन द नेक्स्ट डे होपफुली, एंड फ्रॉम भुवनेश्वर वी विल कंटिन्यू टूवर्ड्स रांची ऑन द लास्ट डे, एंड इट वुड बी लाइक 10 hour जर्नी। सो अभी तो प्लान ऐसा ही है गाइस, बाकी अगर जो भी चेंज होता है तो आपको पता चल ही जाएगा। और भाई अलग टाइप की फीलिंग आ रही है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि अपने घर में अपनी बाइक को ले जाऊं, तो फाइनली यार ले जा रहा हूं। सो मेरे दिमाग में बस एक ही गाना आ रहा है, हो सकता है आपने भी सुना होगा, I'm coming home। तो बस यार यही मूड चल रहा है अभी तो। और यार बेंगलोर को मिस करूंगा मैं बहुत, एक फेमस मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट जगह है साउथ इंडिया में, स्पेशली अगर आप बीच पे जाना चाहते हो तो, वो है उडुपी। मैं एक बार उडुपी जा चुका हूँ, जब मैंने बाइक ली थी उसी टाइम मैं गया था उडुपी। तो यार मुझे बेस्ट जगह लगा, बहुत रिलैक्सिंग, बहुत सूदिंग एटमॉस्फेयर है वहाँ का, बीचेस बहुत नीट एंड क्लीन है, मैग्निफिसेंट जगह है गाइस। तो वो आपको मैं मोटो व्लॉगिंग करके तो नहीं दिखा पाया अभी के लिए, बट कभी ना कभी तो फिर वापस आऊँगा ज़रूर मैं, और उडुपी आपको भी घुमाऊँगा, और मुझे भी उडुपी घूमना है एक बार। और देख सकते हो भाई लोग, तिरुपति यहाँ से 78 किलोमीटर्स है, और यहाँ से हम लोग तिरुपति होते हुए जाएंगे। और भाई आपको ऐसा से पहाड़ तो देखो यार हर जगह पे मिलेंगे यहाँ पे इस रूट पे। तिरुपति पहुँच के शायद रुकेंगे हम लोग, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किए हैं, तो अगर हुआ पॉसिबल तो तिरुपति में ही ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेंगे। और भाई 7:30 बज चुके हैं, धूप एक नंबर खिल चुकी है, अभी थोड़ा सा गर्मी भी लग रही है अब तो धीरे धीरे। और भाई नज़ारों की तो बात ही छोड़ो, मैं कुछ बोलूँ उससे पहले बस आप देख लो, मतलब ये आपको घूमने जाने के लिए कोई जगह की ज़रूरत नहीं है, ये रोड ही इतना शानदार है, ये रूट ही इतना शानदार है। यही मुझे ख़ास बात लगती है साउथ इंडिया की, आप कहीं भी चल जाओ रास्तों पर इतने सही सही नज़ारे मिलेंगे ना कि आपको बोरियत फील नहीं होगी। और तिरुपति से हम लोग बस थोड़ी ही दूर हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, 10-15 किलोमीटर ही होंगे अब तिरुपति से, तो तिरुपति भी भाई जल्दी पहुंच जाएंगे। Thank you.
रहा था, बट वहाँ पे हम लोगों को मिल नहीं रहा था नाश्ता के लिए क्या खाएं क्या नहीं वो, तो यहाँ पे मिला है इडली और बड़ा के नाम से धोखा हो गया हम लोग के साथ, पता नहीं ये क्या है, बट कोई बात नहीं, पेट पूजा के लिए बस चलेगा ये सब। तो अभी हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे का जर्नी स्टार्ट करेंगे। बहुत जोर से भूख लगी है, सुबह से हम लोग कुछ नहीं खाए हैं, ठीक है गाइस खा लेते हैं। तो भाई लोग अभी नाश्ता वगैरह कर लिया हमने होटल में, कुछ खास तो था नहीं, वही इडली वगैरह कुछ कुछ बस। और अभी भी हम लोग 370 किलोमीटर दूर है विजयवाड़ा से, और अभी टाइम हो चुका है 9:15, तो अभी भी काफ़ी टाइम बाकी है, और 6 घंटा का रास्ता अभी लगता है और बाकी होगा। और भाई अच्छे अच्छे नज़ारों से अभी वीरान बंजर बोरिंग वाली रूट आ चुकी है, और अभी लगभग हम लोग 6 घंटे से, आप बोल सकते हो 6 घंटे से ड्राइव कर ही रहे हैं। थोड़ा बहुत ब्रेक लिया और अभी जो ब्रेकफास्ट किया बस उतना ही ब्रेक लिया है। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। अभी हम लोग बोरियत में ट्रैवल करते हैं थोड़ा सा। भाई ये देखो बोर्ड मिल गया, हम लोग दोबारे से हाईवे पे आ गए हैं, हाईवे 16 पे, नेल्लोर 53 किलोमीटर्स, ओंगोल 188 किलोमीटर्स, विजयवाड़ा 336 किलोमीटर्स। सबसे पहले हम लोग वही नेल्लोर जाएंगे, उसके बाद फिर ओंगोल से होते हुए फिर गुंटूर, और उसके बाद भाई पहुंचेंगे विजयवाड़ा। तो अभी बहुत दूर है विजयवाड़ा, अब ये N16 जो है 180 किलोमीटर्स लंबी है, मतलब यहाँ से तो अभी 180 किलोमीटर से 16 में ही रहना है, तो थोड़ा सा स्पीड भगाएंगे हम लोग। तो भाई लोग इधर है नेल्लोर सिटी आपका इस साइड, ठीक है, तो नेल्लोर भी पहुंच गए हम लोग, और अभी पेट्रोल पंप पे गए थे, रिफिल करा लिया हमने, कल ही टैंक फुल कराया था, बट अभी 2 डंडियां बची हुई थी, तो हमने सोचा कि क्यों फालतू का टेंशन लेना, अभी भरवा लेते हैं। तो अभी रिफ़िल करवा लिया है, और अराउंड 1100 का पेट्रोल आया, मतलब आप कह सकते हो करीब 10 लीटर पेट्रोल आया अभी। तो अभी तो भाई विजयवाड़ा तक तो चल ही जाएगा, उससे आगे भी बहुत विशाखापट्टनम के आसपास तक चल जाएगा भाई। ये देखो भाई नेल्लोर सिटी के पास आपको 5 किलोमीटर्स आगे, नेल्लोर सिटी के 5-6 किलोमीटर्स आगे आपको पेन्ना रिवर मिलेगा, यही है पेन्ना रिवर, और इसके ऊपर भाई बड़ा सा ब्रिज बना हुआ है, देख सकते हो बहुत सारे ब्रिजेस हैं यार। अभी बारिश तो इतनी हो रही थी, पता नहीं इधर क्या हालत है, इधर शायद नहीं हो रही है बारिश, बट अगर आप ऑनलाइन चेक करो वेदर रिपोर्ट्स पे, तो वहाँ पे तो दिखा रहे हैं कि बारिश हो रही है इस साइड भी, बट यहाँ देख के तो नहीं लग रहा है। यहाँ पे तो देखो भाई पूरा सूख गया है पानी, नदी भी सूख गई है भाई, भयानक गर्मी पड़ती है इस साइड, इसीलिए इतना रूखा सूखा है। तो भाई ये रहा पेन्ना रिवर, सोचा आपको दिखा देते हैं, एक ही रिवर मिला है तभी से एक बड़ा। तो भाई लोग विजयवाड़ा अभी 154 किलोमीटर है, और ये देखो हमने फिर से ब्रेक ले लिया क्योंकि हालत ख़राब है भाई कसम से, अब तो लग रहा है 10 घंटा से ज़्यादा का राइड हो गया, और हम लोग सुबह को 3 बजे निकले हुए हैं, और धूप भी यार बहुत ज़्यादा है, ठीक है मेरा भी इधर हालत ख़राब हो गया है, पीठ का तो बैंड बजा ही है। और भाई गाड़ी भी बहुत चल चुकी है, अराउंड 100 किलोमीटर प्लस ही चल चुकी है, तो अब गाड़ी को 15 मिनट यहीं पे रोकना पड़ेगा, हम लोग को धूप में खड़ा रहना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं बताओ। और भाई लोग मेन प्रॉब्लम एक और आ रही है कि नींद, ये तो पूरा झपकी मार रही थी, और मुझे भी नींद आ रही थी इसके चक्कर में, क्योंकि यार देखो कल भी हमें बहुत काम था, एक्चुअली जितना भी हमारा सामान था वो हम लोग रेलवे के लिए बुकिंग करने के लिए दे गए थे, और उसके बाद घर आके भी पैकिंग वैकिंग किया, तो फिर बस कल 3-4 घंटा ही सो पाए थे। तो भाई हमको भी दो थोड़ा सिंगों का सहारा है, सिंगों लेने के बाद हम लोग अभी फिर से निकलेंगे, ठीक है। तो भाई लोग कैसा लग रहा है आगे का नज़ारा,
बता कमेंट सेक्शन पे। और भाई साहब अभी भी 120 किलोमीटर्स है विजयवाड़ा, और अभी थोड़ा धूप कम हो चुकी है तो थोड़ी राहत है। और अभी ऑलमोस्ट 1:45 बज चुके हैं, 1:45। तो भाई अब उम्मीद तो है कि और 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, 1.5 घंटे से ज़्यादा ही लग जाएगा। बहुत लंबी जर्नी होगी, अभी खाना भूख भी नहीं लग रही है, इतना थक गए हैं बस लग रहा है कि सो जाएं जाके। बताओ नया जॉब के चक्कर में क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। मैं बहुत दिन तक सोच रहा था कि नहीं ज्वाइन करूँगा, क्योंकि जो मेरी प्रेजेंट जॉब थी उसमें मेरे को छुट्टियाँ बहुत सारी मिल जाती थी, जिससे कि मैं मतलब घूम लेता था इधर उधर और वगैरह। बट जो नेक्स्ट जॉब है उसमें क्या है, करियर प्रॉस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं, सैलरी भी समझ ही सकते हो, तो वो सब चीज़ तो है ही, सैलरी भी ज़्यादा है, ये है वो है, बाकी सब सही है। बट इसमें था यार कि अगर मैं अपने प्रेजेंट जॉब में कुछ और दिन रहता तो मैं डायरेक्ट अपने होम टाउन रांची में पोस्टिंग पा सकता था। बट अब डिसाइड कर लिया यार, वी आर कमिंग टू कोलकाता सून। और उधर एक और चीज़ थी जिसके लिए मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, सबसे इम्पॉर्टेंट वह कि अब मैं अपने फैमिली को भी मेरे साथ घूमने के लिए ले आ सकता हूँ। और अगर कार से नहीं हो पाया तो मेरे भाई का तो है ही है, बहुत दिन से बोल रहा था कि वो भी जाएगा हमारे साथ ट्रिप वगैरह में, बट हो नहीं पा रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्टेंस है, अराउंड 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और उसकी बाइक वहाँ पे है बेंगलोर में, तो सिर्फ मेरी बाइक है और मेरी बाइक में मैं और मेरी वाइफ बैठते ही हैं, तो दो आदमी। तो अब ठीक हो जाएगा, अब उसके पास भी एक बाइक है, हीरो एक्सट्रीम है उसके पास 160 cc की, तो उस पर टूर करना चाहता है, तो मज़ा आएगा यार, देखते हैं एक और साथी मिल जाएगा हम लोग को टूरिंग करने के लिए। सो गाइस फाइनली आप लोग देख रहे हैं हम लोग पहुंच चुके हैं अपना होटल, और हम लोग 3:30 बजे ही विजयवाड़ा पहुंच गए। आप लोग को हम लोग विजयवाड़ा एंट्री करने के बाद नहीं दिखा पाए कैसा दिखाते हैं, मतलब एक ज़्यादा दूर नहीं था, कितना 50 किलोमीटर आसपास था, और बहुत ज़्यादा मतलब बारिश होने लगा, तो हम लोग को अपना गोप्रो को अंदर रखना पड़ा, क्योंकि आप लोग को पता है मीडिया मोड में पानी लगने से प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हम लोग और बाहर नहीं निकाल पाए, तो इसलिए आप लोग को डायरेक्ट होटल आके ही दिखा रहे हैं। और गाइज हम लोग का जो चेक इन जब किया हम लोग होटल में, तो कुछ इशू आ गया, प्रॉब्लम हो गया, तो वो आप लोग को हम बताएंगे क्या हुआ, तो अभी नहीं बताएंगे, उसका जो हम लोग सेपरेट होटल का जो वीडियो बनाते हैं उसमें बताएंगे आप लोगों को कि क्या क्या प्रॉब्लम आया। गाइज हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो इसलिए ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करते गाइज, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और आप लोगों को जैसे पता है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा गाइज, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ठीक है गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।